वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और कहा कि पिछले कल जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर जहर उगला, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित कोरोना का बयान उनकी नकारात्मक सोच को दर्शाता है। इतनी नकारात्मक सोच भी हमने किसी नेता की नहीं देखी। कोरोना से आज विश्व की महाशक्ति कहलाने वाले देश त्राही त्राही कर रहे हैं। हम उनसे बहुत बेहतर स्थिति में हैं। प्रदेश में हालत और भी बेहतर है। खुद प्रधानमंत्री ने हिमाचल सरकार के प्रयासों की तारीफ की है। इससे ज्यादा नेता प्रतिपक्ष को क्या प्रमाण चाहिए। मुकेश ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, वे राजनीति का घटिया स्तर है। कौन सी सरकार अपने नागरिकों को बीमारी देने की सोच रखती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा वालों को ही कोरोना हो रहा है, ये उनकी सोच को दर्शाता है। भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर जनता की सेवा कर रहे हैं। कांग्रेसियों की तरह हमने जनता से दूरी नहीं बनाई है। पठानिया ने कहा कि मुकेश ने सीएम पर यू टर्न लेने का आरोप लगाया, जबकि हकीकत ये है कि यू टर्न मुकेश ले रहे हैं। पहले कहते थे सीएम ओक ओबर में बैठे रहते हैं, अब कहते हैं कि सीएम दौरे क्यों कर रहे हैं। पहले खुद कहते रहे कि बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाओ। जब सरकार लोगों को वापस लाई तो आरोप लगाया कि सरकार कोरोना लेकर आई। वे अपनी किसी बात पर कायम ही नहीं है। सरकार पर आरोप लगाने के बजाय मुकेश अपने कार्यकाल में किए गए कार्य बताते तो ज्यादा बेहतर होता। उद्योग मंत्री रहते हुए मुकेश ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है, वह भी प्रदेश की जनता को बताते। महंगाई पर मुकेश ने बहुत आरोप लगाए। मुद्दों पर आधारित राजनीति हो उसका स्वागत है, लेकिन कोरोना महामारी को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, बात बड़ी स्पष्ट है कि आपने केवल आरोप और आरोप और आरोप, इसके अलावा कोई काम ही नहीं पकड़ा हुआ। बड़ा स्पष्ट क्लियर आया कि जब सीएम साहब शिमला में बैठे हैं तो ये आरोप लगता है कि शिमला में बैठे हैं, आप शिमला से बाहर नहीं आते। जब शिमला से बाहर आते तो कहते हैं आप बाहर क्यों आए। जब तक लोग बाहर से अंदर नहीं आए, हिमाचल में नहीं आए, तो लगातार हमारे पर आरोप लगता रहा कि आप कुछ नहीं कर रहे, सरकार सोई हुई है, अंधी है, गूंगी है, बहरी है, कुछ नहीं कर रही सरकार। जब 2.5 लाख लोगों को हम लेकर आए, हमारी ट्रेन चेन्नई पहुंची, बेंगलोर पहुंची, हैदराबाद पहुंची, गोवा पहुंची, पूना पहुंची, लुधियाना पहुंची, चंडीगढ़ पहुंची, हर जगह से जब बच्चे यहाँ पे लाए गए, 2.5 लाख के करीब लोगों को हिमाचल में वापस लाया गया, तो ये आरोप लगना शुरू हो गया कि आप कोरोना ले आए, कोरोना ले आए, आप कोरोना ले आए। अब हर बात के ऊपर आपने, जब हमने बहुत उमदा तरीके से इस लड़ाई को लड़ा है हर बात को, क्योंकि ये एक नया एपिडेमिक था, इसका किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं था, ना डिजास्टर मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस था, ना ब्यूरोक्रेट्स को एक्सपीरियंस था, ना मुख्यमंत्री को, ना मंत्रियों को, ना विधायकों को, ना पत्रकारों को, ना पब्लिक को, किसी को भी इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बावजूद भी हमने सारी स्ट्रेटजी, इसमें कई निर्णय ऐसे भी थे जिनको सवेरे घोषित किया गया, शाम को वापस लेना पड़ा, क्योंकि जब आपस में आम सहमति बनी, बातचीत हुई, तो लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा, इसको विड्रॉ करो, इसको लागू करो, क्योंकि एक नया काम शुरू हुआ था प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। तो उसको हमें रोल बैक गवर्नमेंट बना दिया कि ये सरकार तो हर दिन निर्णय को वापस ले रही है। भाई, क्या आपको एक्सपीरियंस था, क्या आपके पास ऐसा कोई बैकग्राउंड था जिसमें आपने इस लड़ाई को लड़ने के लिए कोई प्रयास किया हो? हाँ, इस लड़ाई को लड़ने के लिए जयराम ठाकुर और उनकी सरकार ने ऊंदा कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से आज उत्तर भारत में हमारा ग्राफ जो है वो सबसे बढ़िया है। आज पंजाब के कंपैरिजन देख लो जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है, राजस्थान के कंपैरिजन जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है, आप उनकी गवर्नमेंट्स के कंपैरिजन में हमारी गवर्नमेंट्स को देखिए। कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री को तो नहीं हुआ ना कोरोना, हमारे मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री को भी कोरोना हुआ। जो लोग पब्लिक में जाके सेवा कर रहे हैं वो तो एक्सपोज होंगे ही, जो लोग केवल बंद कमरों में केवल पत्रकार के बीच में आगे बयान देंगे उनको कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ये जो मिसगाइड करने का प्रयास किया गया उसको मैंने आज ऑन रिकॉर्ड्स ठीक किया। रेप्स के बारे में आपने बात की, जितने रेप्स हमारे यहाँ पे हुए उससे ज़्यादा रेप आपके टाइम पे हुए। आपने कहा सुसाइड के बारे में, इतना बड़ा गर्क हो गया सुसाइड, क्या आपकी सरकार में सुसाइड हुए? मैंने आपके सामने फिगर्स रखे कि आपके टाइम में कितने सुसाइड हुए, हमारे टाइम में कितने। ये गलत धारणा है कि एक क्रिमिनल का रिकॉर्ड आप सरकार के खाते में डालो, एक क्रिमिनल को एक सरकार की परफॉर्मेंस का यार्डस्टिक बनाओ, ये कोई राजनीति नहीं हुई। इससे लगता पता कि कितने भुखला गए हैं। जब विधानसभा में खड़े होते हैं तो पीछे कोई उनके साथ होता नहीं है, तो नेता हैं पर साथ में कोई नहीं है। इसलिए ये जो पीड़ा है वो स्वाभाविक है, वो नेचुरल है, हम उसके ऊपर नहीं जाना चाहेंगे। कांग्रेस का क्या आपस हाल है, कल यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, सुधीर शर्मा यहाँ के मंत्री रहे हैं, यहाँ के विधायक रहे, उन्होंने आने तक का कष्ट नहीं किया। इनके घर का क्या हाल है इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, इनको भी हमारे पे टिप्पणी करना बंद करनी चाहिए। सर, आपने एक कांग्रेस के
मैंने नहीं आरोप जड़े जी, मैंने कहा गढ़वाल में जाइए और वहाँ पे जाके पुलिस का रिकॉर्ड चेक करिएगा। आप भी तो पत्रकार मित्र हैं, आप लोग भी तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पता करिए कितनी बार आए और कब गए हैं वापस। और नूरपुर में जाके पूछिए, जहाँ पे इनका वार्ड नंबर 2 में जो कागजों में घर है इनका, जहाँ पे ये रिकॉर्ड में रहते हैं जब ये नॉमिनेशन भरते हैं, वहाँ पे कितनी रातें इन्होंने काटी हैं कोविड के दौरान। एक रात भी काटी होगी तो राकेश पठानिया अगला चुनाव नहीं लड़ेगा, अगर एक रात भी उन्होंने काटी होगी। मैं ये दावे से बोल रहा हूँ कि मैं रोज अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, मैं रोज घूम रहा था गांव-गांव में, घर घर जाके हम लोगों ने सेवा करने का प्रयास किया।